द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 3,80,532 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए, जिसमें 336 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में आज से नई तकनीकी रैपिड एंटीजन टेस्ट का कोरोना टेस्टिंग शुरू, 15 मिनट में आएगा नतीजा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, मैक्स अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी। यूपी में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे, एक दिन में सबसे ज्यादा 817 मामले सामने आए, कुल संख्या 16,000 के पार। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 पार, 5 मरीजों की मौत, अब तक 44 मौत। ओडिशा सरकार की अनूठी पहल, सरकार अब गांव में कोरोना केंद्र बनाने जा रही है, जिसमें करीब 20 लोग एक साथ भर्ती किए जा सकेंगे। अमेरिका में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या में आई कमी, फिर भी वैज्ञानिकों को सता रहा ये डर कि कभी भी पलट सकती है स्थिति। नेपाल में बीते 24 घंटों में कोविड 19 के 671 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2 लोगों की हुई मौत। रूस में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का इंसान पर टेस्ट, जिसमें किसी पर भी दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिला है।